हेलो माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप तो जहाँ भी हैं सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ना, बहुत ही कमाल धमाल बेमिसाल होने वाला है। बिकॉज मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब जो मेरी वर्चुअल फैमिली, बहुत ही इंटेलिजेंट हो गया। बिकॉज आप लोग थंबनेल देख के गेस कर लेते हैं कि ये व्लॉग क्या होने वाला है। बट मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, बट जो भी मैं थंबनेल डालूंगा आई एम श्योर कि आप गेस कर ही लेंगे। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ कि आज का व्लॉग किस बारे में है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको करना यह है कि अगर आप चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, और बेल आइकन तो जरूर से हिट कीजिए ताकि आपको आने वाले व्लॉग के हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जो व्लॉग है आज का वो ये है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज शूट किया था मछली, जिसका कि व्लॉग मैंने अपने चैनल पर ही डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। और वही जो वेब सीरीज़ है मेरी वो फिलहाल आ चुकी है और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पे धूम मचा रही है, और उसी के प्रमोशन के रिलेटेड ही आज का व्लॉग है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं एक रेडियो स्टेशन में जहाँ पे इसका प्रमोशन होने वाला है। तो चलते हैं यहाँ से और इसी को व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए फिलहाल गाड़ी बैठते हैं, फिर कुछ बातें गाड़ी में होंगी, आइए। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूं और आगे बढ़ूं उसके पहले एक चीज आपसे और शेयर करना चाहूंगा मैं। जो हमारी जो वेब सीरीज है उसने राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ना अवार्ड जीता है बेस्ट वेब सीरीज का। तो फिलहाल जो है आप वो क्लिपिंग देख के आइए और इस फिल्म के बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ चलने के बाद, और कौन से रेडियो स्टेशन पर जा रहे हैं वो वहाँ चल के बताएंगे। और भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं इसी व्लॉग में तो उनसे मिलवाते हैं। तो फिलहाल चलते हैं वहाँ पे, और जब तक वहाँ जा रहे हैं हम लोग तब तक आप वो क्लिपिंग देख के आइए जो हमें बेस्ट शो का अवार्ड मिला है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में। जाइए बेस्ट हिंदी वेब शो एंड द अवार्ड गोज टू मछली। शालीनता से हमारे इस सीरीज को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत प्यार से इस सीरीज को बनाया है एंड ऑब्वियसली द कैप्टन ऑफ द शिप अनिमेश वर्मा सर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो क्लिपिंग अच्छा लगा होगा, और मैंने नाम शायद नहीं बताया था आप लोगों को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नाम भी पता चल गया होगा हमारी वेब सीरीज का, जिसका कि नाम है मछली। और मछली को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में बेस्ट वेब शो का अवार्ड मिला, आपने देख ही लिया, और प्रोमो भी शेयर करूँगा मैं। बट फिलहाल उसके पहले मैं एक और शख्स से, जैसा मैंने आपको कहा था, मिलवाना चाहता हूँ। मेरे गुरु भी है, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर भी है, और वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रोल भी है। आइए मिलवाते हैं, मिलते हैं मेरे गुरुजी राजेश राजा सर से। सर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे मेरे। थैंक यू। और मेरी कास्टिंग सर ने ही की थी, और सर का बहुत ही मज़ेदार रोल है, बहुत ही बढ़िया वेब शो बना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं प्रोमो भी शेयर करूँगा, फिलहाल चलते हैं। एक और मोहतरमा हमारा वेट कर रही हैं, तो मोहतरमा से भी मिलवाऊंगा मैं आपको। फिलहाल चलते हैं, उनको पिक करते हैं, और चलिए इस बीच पे प्रोमो डाल देता हूँ। प्रोमो देखिए, प्रोमो देख के आइए और फिर मैं मोहतरमा से मिलवाता हूँ मैं आपको। चलिए यादव जी,
यस सर। शराबबंदी का पालन हो रहा है ना? मेरा डिपार्टमेंट मुझे ऑनेस्ट ऑफिसर मानता है, मीडिया मुझे हीरो समझती है, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूं। तो शायद कमी मुझ में होगी। मतलब अंधे के हाथ बटेर आ ही गए। मिस्टर सहाय, ये फाइल, ये रिपोर्ट, मिस्टर करीम का मीडिया में बयान। सच क्या है हम आपसे जानना चाहते हैं। लड़की नाम की चीज बहुत खतरनाक होती है। हम लोग तो कमीना और ठरकी लोग हैं। ये बीमारी तो सिर्फ शरीफों को होती है। दुनिया से अनजान जानी है, मछली जल की रानी है, मछली। पैसे की प्रॉब्लम क्या, तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? हमें वो हीरो नहीं बनना जो हालात से लड़े और दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। पढ़ाई लिखाई कभी बर्बाद नहीं जाती। हम सबको जानते थे, they were not criminals. I don't want you to prove anything, Shashi. सपनों का व्यापार एक राजनीतिक जरूरत है। अगर ये सपने सच हो जाए तो दुकानें बंद हो जाए। जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, मगर मिट्टी मत छोड़ो। तो यहाँ रह के क्या करेगा, मिट्टी खाएगा? ओरी मछली भाग तेरा भूख पीछा कर। तू भी दिन दिखाता है। भाग मछली, अगर शरीफों की तरह सोचना छोड़ दो तो दौलत कमाने के हजार तरीके। जल में तू अयाशी नहीं कर रहा यार, जरूरत है। जल जल के अब बाप नहीं रह पाएगा मेरे। चल बैठ। अच्छे घर से सावन, हम कुछ करना चाहते हैं साहब, हमको जाने दीजिए। तू भाग मछली। बदलाव का वक्त आ चुका है, देखना ये मछलियाँ एक दिन इस तालाब के गंदे पानी को बदल देंगी। सीधा कुछ बन के ही आए, कान के नीचे तो लप्पड़ लगाएंगे, बोलेंगे ले देख बन गए हम कुछ। उम्मीद है कि आपको प्रोमो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये रही हमारी फिल्म की जो हीरोइन है, तनु। तनु, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और थैंक यू सो मच सर। बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट का तुम्हारा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। एक्चुअली हम लोग सारे जितने भी आर्टिस्ट बिहार से थे, तो हम लोग बहुत एक दूसरे को जानते थे, तो हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मतलब कनेक्ट होके रहे वहाँ पे सेट पे, बहुत ही एंजॉय करते थे, बहुत मजा आया। और होप आपको मछली बहुत पसंद आएगा, प्लीज मछली को जाकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखिए। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रेडियो स्टेशन पे, अंदर चलते हैं, अंदर चलकर आप दिखलाते हैं हम लोग कौन से रेडियो स्टेशन पे हैं और वहां भी अपने एक खास मित्र से मिलवाएंगे आपको। चलिए देखा है, अभी हम हैं रेडियो सिटी 91.1 एफएम के ऑफिस में और यहाँ हमें इनवाइट किया है हमारे सबसे प्रिय मित्र सुभाष भाई ने, जो कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग डायरेक्टर हैं। सुभाष भाई का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले से बात हो रही थी कि हमने ऐसी फिल्में की, तो इन्होंने खुद कहा सामने से कहा कि प्लीज़ आप आइए हमारे पास और फिल्म की प्रमोट करें। और ये है आगे हमारे आरजे सौरभ। अच्छा, हमने बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजे सौरभ हमारे चैनल पे। बहुत स्वागत आपका भी रेडियो सिटी के ऑफिस में। और बस यही हमारी टीम है फिलहाल अभी, और हम भी इसके प्रमोशन के लिए भी जाएंगे, ऑन एयर जाएंगे। कैसे, क्या प्रोसीजर, क्या फॉर्मेलिटी होगी बताएंगे हमें सुभाष भाई और सौरभ भाई। तो सबसे पहले मैं मछली की पूरी टीम का स्वागत करता हूँ। और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है इनफैक्ट कि जब पता चलता है ना, आज सुबह ही मैं सौरभ से बोल रहा था
कि सौरभ हाल के दिनों में ऐसा हुआ है ना कि जो भी वेब सीरीज आती है खास करके बिहार में उसमें अपना कोई ना कोई मतलब तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे सर्किल का कोई उसमें लीड रोल कर रहा है या सेकंड लीड कर रहा है, छोटा ही रोल क्यों नहीं हो, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो खाकी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे कोई भी वेब सीरीज जो आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने पटना का कोई कलाकार उसमें दिखता है, जिससे हम लोग मोड़ पे मिलते हैं, जिससे हम लोग मार्केट में मिलते हैं, जिससे हम लोग कालिदास रंगालय में मिलते हैं, है ना। तो इसलिए जुड़ाव रहता है। और रेडियो सिटी जैसा कि हमारा आप देखेंगे नाम ही है सिटी, और रग रग में दौड़े सिटी, रग रग में दौड़े पटना, तो हम अपने पटना के लोगों को प्रमोट करते हैं। इसलिए आज मछली की टीम जो आज हमारे स्टूडियो में आई है उनको हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं कि वो हमारे टीम हमारे स्टूडियो में आए हैं। और अब हम लोग स्टूडियो चलेंगे, स्टूडियो आगे, और थोड़ा ऑनर भी बात किया जाए, लोगों को बताया जाए, सुनाया जाए, और आपके भी रिक्वेस्ट सुनेंगे। आज एक्चुअली मेरा रिक्वेस्ट शो होता है तो जहाँ पे हम लोगों के रिक्वेस्ट लेते हैं, तो आज आप लोग भी रिक्वेस्ट करोगे। वीकेंड आरजे है आज शो का नाम, तो इस पे आप लोग भी आरजे हो आज मेरे शो पे, तीन आरजे। तो बहुत मस्ती होने वाली है, बिना स्किप के वीडियो एंड तक देखिएगा। तो फिलहाल चलते हैं अंदर स्टूडियो पे, लाइव होते हैं और फिर इस मस्ती को हम कैप्चर करते हैं, आपको दिखाते हैं। आइए हम लोग अभी ऑन एयर चलने वाले हैं। ये हमारा स्टूडियो जहाँ से हम पटना से जुड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, बातें करते हैं, गाने सुनते हैं, सुनाते हैं। एंड आप लोग भी प्लीज बैठ जाइए। तीन बज चुके हैं और अपने शो के दूसरे घंटे की शुरुआत है। एफएम बोले तो रेडियो 391.1 एफएम पर हम सौरभ आपके साथ है। वेलकम बैक है आप सबका। तो भाई अभी हमने आपको एक वेब सीरीज के बारे में बताया था, जी हाँ, जिसका नाम है मछली। तो इस वेब सीरीज के बारे में अभी हम सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि मछली वेब सीरीज की टीम हमारे स्टूडियो पहुंच चुकी है और आज मौका है वीकेंड आरजे का, जहां हमारी पटना की जनता बन सकते हैं वीकेंड पे आरजे मेरे शो पे। और आज जितने भी हमारे मछली टीम के मेंबर्स हैं सभी पटना से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले स्वागत करेंगे मछली की टीम का हमारे स्टूडियो में, तालियां। तो रेडियो 391.1 एफएम पर हम हैं सौरभ आपके साथ, वेलकम बैक है जी पटना। और 3:22 हो चुके हैं बाय द स्टूडियो क्लॉक, और आज हमारे शो पे आरजेज ही आरजेज हैं, मतलब मैं भी हूँ, मेरे साथ मछली की टीम है, और मछली की टीम से हैं राजेश जी और शशांक जी एंड तनु जी भी हैं। तो इन सब से हम जानेंगे, इनसे इन सब के गाने भी सुनेंगे, सुनाएंगे और मछली के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले राजेश जी स्वागत है आपका रेडियो सिटी पर। नमस्कार। और सबसे पहले तो बताइए कि मछली के बारे में क्या है और कैसी पकी है मछली? बहुत अच्छी पकी है, बहुत ही टेस्टी है, और सबसे अच्छी बात कि ये बिहार बेस्ड स्टोरी है, पूरी टीम बिहार की है, टेक्निकल टीम बिहार की है, डायरेक्टर बिहार के हैं, सारे एक्टर्स बिहार के हैं, ये मतलब बिहार की चीज है, बिहार के लोगों के लिए भी है, मतलब इसे देखना चाहिए, इसको मतलब बूस्टअप करना चाहिए। तो इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, पर सबसे पहले क्लियर करते हैं लोग कहाँ देख सकते हैं इसे। इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ये वेब सीरीज रिलीज हुई है। और कितने एपिसोड्स? ये 7 एपिसोड्स के हैं, पर एपिसोड 20 मिनट का है, 1 घंटे 40 मिनट में 7 एपिसोड। तो जैसा कि मैंने पहले तो अभी तक ट्रेलर देखा है, और ट्रेलर में आप भी हो कहीं, तो आपका क्या रोल है आप बता रहे हो? मेरे रोल का नाम है करीम खान। खान साहब, थैंक यू, क्या बात है खान साहब। तो खान साहब आप क्या किस रोल में है? देखिए मैं वेब सीरीज जब आप देखना शुरू करेंगे, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, शायद आपको ये आपको ये लगेगा कि मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर हूँ, शायद जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा नेगेटिव कैरेक्टर है, पर लग नहीं रहे आप कितने पॉजिटिव लग रहे हैं मेरे को बात करने लेकिन जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि आपने सोचा कुछ और था और हुआ कुछ। ओके, तो भाई देखिए वीकेंड आरजेज की बात हो रही है और हमारे साथ अभी राजेश जी हैं। राजेश जी आप अपना फेवरेट गाना कोई बताइए जो सुनना चाहें, या आप किसी को डेडिकेट करना चाहें, या फिर आप पटना से रिक्वेस्ट लेना चाहें। तुम जानो ना हम, क्या बात है, लकी अली सर की आवाज में ये ट्रैक है। और आगे अभी जुड़ेंगे हमारे साथ तनु जी हैं, साथ में शशांक जी हैं, उनसे भी जानेंगे वेब सीरीज के बारे में और
उनसे भी रिक्वेस्ट लेंगे। बने रहिए हमारे साथ पटना, मिलते हैं ब्रेक के उस पास, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 एफएम, रग रग में दौड़े पटना। पूरे स्टूडियो में हैप्पी हैप्पी वाला मूड है क्योंकि आज हमारे साथ मछली की टीम है। वेलकम बैक जी पटना एफएम, बोलो तो रेडियो 391.1 एफएम पर हम हैं सौरभ आपके साथ। और इस वक्त हमारे साथ मछली की टीम, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू वेब सीरीज है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप ये वेब सीरीज देख सकते हो। बिहार पे बनी वेब सीरीज है जिसमें आप जितने भी एक्टर्स देखोगे सब बिहार के मिलेंगे। कभी हो सकता है कि आप रास्ते चलते मिल गए, अरे भैया आपको हमने देखा है, आप मछली में काम करते हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और इसी मौके पे अभी हमारे साथ शशांक जी हैं। शशांक जी प्लीज थोड़ा माइक के सामने आ जाए और अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा लगा आपको इस वेब सीरीज में काम करके। सबसे पहले तो रेडियो सिटी 91.1 एफएम के सारे श्रोताओं को मेरा प्रणाम, दिल से प्रणाम सभी का। और सौरभ भाई, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट हम लोग पटना में रहते हैं, शहर में रहते हैं, शहरी माहौल में इसी कमरे में बैठते हैं, लेकिन जो पूरा शूट हुआ ना गांव में जाके हुआ है, पटना के पास पे कुर्नी गांव, वहां जाके हमने शूट किया था। एकदम पूरा समझिए कि ये पूरा एनवायरमेंट या कहिए ना प्रकृति की गोद में हमने शूट किया है। बहुत ही अच्छा माहौल था वहां का, एकदम वातावरण जो था एकदम शुद्ध था, हरे हरे पेड़ थे और शूटिंग का जो लोकेशन था ना इतना मजेदार था। और पूरी टीम सारे हम लोग नोन थे, एक दूसरे को जानते थे, तो और मजा हमारा दुगना तिगुना हो गया था। और मौसम तो खैर कमाल का था, तो खैर एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त था। आपके तक ये फिल्म कैसे आई? सबको बता देना चाहता हूं मैं इस रेडियो के माध्यम से कि इस फिल्म के जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो भी हमारे साथ बैठे हुए, राजेश आदर सर। कास्टिंग डायरेक्टर ठीक है, ठीक है, मैं भी दिखा लेता हूँ अपने आपको कभी अगले कोई वेब सीरीज में मेरे भी रोल दिख जाए तो सर के साथ मैंने बहुत काम किया। सर ने ही मेरी कास्टिंग की थी उस फिल्म में, तो सर के माध्यम से ही जुड़ा उस फिल्म में मैं। और सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत मजा आया काम करके। तो आप इस वेब सीरीज में किस रोल से रोल पे हो? मेरा एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है मेरा। और जहिन सर जहिन जहिन जहिन। और इसमें जो कहानी है वो दिखाया गया है कि बिहार के लोग कैसे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो पलायन की जो अभी एक चल रही समस्या चल रही है, माइग्रेट कर लोग यहाँ से बाहर दूसरे शहर जा रहे काम करने के लिए, रोजगार की तलाश में, तो उस चीज को दर्शाया गया है इस फिल्म में। और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ और भी चीजें हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भाई पटना देखना जरूर है, ये अब सब कुछ यही जान लीजिएगा क्या। पटना के ऑडियंस को मैं पर्सनली राजेश राजा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस वेब सीरीज को देखिए 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 जरूर और अपना फीडबैक। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बाकी वेब सीरीज को प्यार दिया है, इस वेब सीरीज को भी प्यार दीजिए। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आप ये वेब सीरीज देखिए। और शशांक भैया आप बताओ भाई कौन सा गाना सुनना चाहते हो आज, आपके रिक्वेस्ट पे पटना सुनेगा। देखिए मैं एक एक्टर हूँ और एक्टर की जिंदगी जो है ना, मतलब लगता है कि चलती जाए चलती जाए, तो मेरे लिए है कि ये एक जिंदगी काफी नहीं है और रग रग में दौड़े एक्टिंग और रग रग में दौड़े पटना, तो पटना का सुना दिए ये एक जिंदगी काफी नहीं है। बात तो बिल्कुल आपने सही कही, ये एक जिंदगी है और ये बिल्कुल भी काफी नहीं है, जितना करना है करते जाना है, बस इसी जिंदगी में करना है। अनुपमा चक्रवर्ती की आवाज में ये ट्रैक है, एंजॉय कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। आगे तनु जी से भी बात करेंगे, बने और सुनते रहिए रेडियो 391.1 एफएम रग रग में दौड़े पटना। और अब मौका है तनु जी से बात करने का। हाय तनु जी, कैसी हैं आप? हेलो पटना, रेडियो सिटी 91.1 एफएम में आपका स्वागत है, मैं तनु। और आज बहुत ही अच्छा माहौल है, मैं रेडियो सिटी में आपके साथ बहुत बहुत समय से मैं चाह रही थी कि रेडियो में आऊं और जुड़ूं, और ये आज मौका मुझे मिला है सौरभ के थ्रू। फाइनल जी सौरभ, अरे बन गई है ये भाई, अब मैं छोड़ रहा हूँ यार। नहीं नहीं, मैं ये चांस नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत अच्छे से कर पाते हो, होस्ट कर पाते हो, मैं तो बस थोड़ा सा। नहीं तनु, आप बहुत अच्छा बोल रही है, मुझे लगा नहीं था। वैसे आप पर्दे पे भी आती हो, आप कैमरे पे भी हो और प्लस माइक पे भी बहुत सुंदर। वैसे बात करेंगे मछली वेब सीरीज के बारे में, और अब आप पे आए हैं तो आप जरा बताइए कि आपने क्या गुल खिलाया है इस वेब सीरीज में। पहले तो गुल नहीं खिलाया, हम मछली खिलाने वाले हैं, आप मछली जाकर खाओ, बहुत अच्छी बनी है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाकर मछली देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, रोमांस है, एक्शन है और थ्रिल है, बहुत सारे उसमें तड़के लगे हुए हैं मछली में।
और मैं चाहती हूँ कि पटना वाले जाकर देखो मछली, क्योंकि मछली से पहले ऐसी मूवी नहीं बनी है बिहार वालों के लिए, और बिहार के सारे लोग हैं यहाँ पे जिनको आप रेगुलरली देखते हो हर जगह, कालिदास रंगालय में, बहुत सारे जगह, गांधी मैदान में, बहुत सारे जगह पे, हाँ बिल्कुल, वो सारे आर्टिस्ट आपको मछली में दिखेंगे और ये बहुत ही मजा आने वाला फिल्म है, देखिए और हमें प्लीज फीडबैक दीजिए। हाँ फीडबैक भी दीजिए। वैसे देखिए मछली देखने जा रहे हैं तो दही खा के जाइएगा, शुभ हो गया है ना। बहुत ही अच्छी बात, अच्छा कनेक्शन है ये। तो तनु, अब मैं आपसे आपके फेवरेट गाने के बारे में जानना चाहूंगा, किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं आप? अब हमारे शो पे आए हो तो यार गाना तो सुनाना बनता है। पटना वालों के लिए एक अच्छा सा गाना बताऊंगी, उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, ये गाना मैं डेडिकेट करने चाह रही हूँ, थोड़ी सी मेरी मूवी से रिलेटेड है। ओके। मेरी मूवी में मेरा जो रोल है वो है एक आईएएस की वाइफ, मैं बनी हूँ। ओके। हाँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत काम में बिजी रहते तो हैं, वो बिल्कुल यही तो नहीं है, बट वो बहुत काम में बिजी रहते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, टेंशन में भरे रहते हैं, तो मैं उनको थोड़ा डेडिकेट करना चाहूंगी, और प्लीज ये सॉन्ग जो है अपना बना ले। ओके, प्यार तो वही मरके आ रहा है, और अरिजीत सिंह के आवाज में ये ट्रैक है, एंजॉय कीजिए पटना। बाकी हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के उस पार अगले घंटे में, आगे कॉन्टेस्ट की बारी है, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 एफएम। और हाँ, अभी जाके डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन लीजिए और मछली जरूर देखिए, और आप लोग भी कह दीजिए भैया पटना, पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके मछली वेब सीरीज देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। हाँ, और शशांक सर आप भी? सारे पटना वालों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि प्लीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके मछली जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा, नाउ अब आप निराश नहीं होगी, मेरी गारंटी है। क्या बात है। और सिर्फ पटना वाले ही नहीं, बिहार के हर जिले, हर एरिया से जितने भी लोग हैं, प्लीज जाके मछली देखिए, जैसे आपने खाकी को दिया है प्यार वैसे ही मछली को भी दीजिए प्यार, हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स के, फीडबैक्स के, और आपके प्यार के, थैंक यू सो मच, मछली को प्यार दीजिए, मेड इन बिहार है तो प्लीज बिहार को आगे बढ़ाइए ताकि बिहार की फिल्म इंडस्ट्री में नाम रोशन कर सके बढ़िया। तो भाई यही करना है कि आप पहले देखिए, फिर तीन लोगों को बताइए, उन तीन को बोलिए कि आप तीन लोगों को बताइए, तो ऐसे करते हैं, चेन चलना चाहिए, चेन ऐसे चलना चाहिए और पूरे इंडिया तक पहुंचना है, पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में पटना, बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो 91.1 एफएम, रग रग में दौड़े पटना। भाई मछली की टीम है आज हमारे साथ, सभी आरजेज हैं हमारे साथ, और फिल्म आई मीन वेब सीरीज के ऊपर बात हो रही है। वैसे जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप, राजेश सर आपसे? सबसे पहले तो नमस्कार पटना, मैं राजेश राजा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मछली वेब सीरीज को जरूर देखें और हमें बूस्टअप करें, जिस तरह से बूस्टअप हमें रेडियो सिटी 91.1 एफएम ने हमें मौका दिया है, हमें मंच दिया है, हम इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, और सौरभ जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच। और हम इस रेडियो के माध्यम से अपने डायरेक्टर अनिमेश वर्मा को, पाटलिपुत्र सीने क्राफ्ट को, रचिता फिल्म्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे लिए बिहार में और प्रोजेक्ट करें और फिल्में बनाएं, और हमें जो कुछ वजहों से बिहार से बाहर जाके काम नहीं कर पाते हैं, मुंबई जाके काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें आप मंच दें, उन्हें आप मौका दें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जो सारा शो है वो हो चुका है हमारा, बिल्कुल, और सौरभ थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे स्टूडियो पे आए हो और इतने अच्छे वेब सीरीज के साथ आए हो, बहुत बहुत बधाई हो और सक्सेसफुल हो ये वेब सीरीज, मैं बस यही कहूंगा, और मैं खुद देखने वाला हूँ आज, आज नहीं देखूंगा मैं, संडे देखूंगा क्योंकि मुझे कपड़े उपड़े धोने हैं, अकेला बंदा हूँ, उसके बाद बैठ के इत्मीनान से पांच एपिसोड खत्म करना है मुझे, बिल्कुल। और ये सात बार देखिए, आठ बार देखिए, जितनी बार जब तक बन नहीं हुए तब तक प्लीज देखिए आप इसको, और प्लीज आप अपने लेवल से पर्सनली भी इसको प्रमोट कीजिए, जितना तो sure. बहुत अच्छा लगेगा sure. मतलब बिहार की चीज है, बिहार की चीज को प्रमोट करना ही चाहिए, भाई बाहर की चीज होती है तो बाहर के लिए बाहर के लोग हैं, बिल्कुल, बिहार के लिए हम हैं, एग्जैक्टली। तो फिर से आज सौरभ का और रेडियो सिटी 91.1 एफएम रग रग में दौड़े पटना का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, हमने यहाँ आ करके अपने जो मेहनत किया है सीरीज को बनाने में, उसको आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और आगे बढ़ते रहे, तो आशीर्वाद बनाए रखिएगा। निकलते ही यहाँ से निकल के फिर बात करते हैं, थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच। रग रग में दौड़े पटना रेडियो सिटी 91.1 एफएम जरूर सुनिएगा, एफएम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 एफएम।
तो फाइनली हमारा जो आज का सेशन था वो कंप्लीट हो गया, और आरजे सौरभ के साथ तो बहुत ही मजा किया हम लोगों ने, मतलब कमाल का एक्सपीरियंस था। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पहली बार मैं ऐसे किसी प्रमोशन के लिए आया हूँ रेडियो पे, और एक बार फिर से रेडियो सिटी 91.1 एफएम को दिल से शुक्रिया रख रहे दौड़े पटना, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया आपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए। सर आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग, आज सौरभ बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बातचीत की। सुभाष जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था, आज पहली बार हम आरजे बने हैं और आरजे बनना एक अलग ही अलग मज़ा आता है उसमें, क्योंकि लोग हमारी आवाज़ को सुन पाते हैं, और क्योंकि जनरली हम लोग अपनी बातें ऑडियंस तक नहीं पहुंचा पाते, बट आरजे बनने के बाद लोग हमारी बात सुनते हैं और बहुत ही मज़ा आया। प्लीज़ जाके मछली देखिए, और थैंक यू आरजे सौरभ का और सुभाष जी का जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, हमें बुलाया हमारी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू। और फाइनली एक बार फिर से पटना रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देखिए मछली। थैंक यू। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग को बस अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ तक देख लिया तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया, और हाँ मछली को ज़रूर जाके देखें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जितना प्यार आप मेरे ब्लॉग को दे रहे होते हैं प्यार उस सीरीज़ को दीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में मछली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और मिलते हैं अगले मस्त वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए ऐसा लगे साथ तस्दानियाँ, बाय बाय।